तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं नया ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। आज ब्लॉग है कि आइजल के लिए अपना दोस्त जोगेश्वरी से जो जाहिद भाई है बनाया, जाहिद भाई का। जाहिद भाई बोले कि मैंने वो गद्दा वहाँ से भिजवा दिया हूँ, अब वहाँ से कलेक्ट कर लेना। तो अभी मैं जाऊँगा वो गद्दा लेने आइजल का। तो शॉप क्या कर रही, तो गद्दा दिए तो वापस देने का ना। अच्छा, ये वही गद्दा है। अभी अंदर तू क्या करे, अभी डेकोरेशन का तो अच्छी फेंक फेंक के कर अंदर। कौन गया तो केक के है तो दे रहा था, उसमें नाश्ते में खा लेता ना। सब अंदर ऐसी फेंक दिए, तो अंदर ये दे देना किसी को भी, अभी काम आएगा ना ये। किसको? टेम्पल। हाँ, वो दे दे किसको, बच्चों को दे। तो मेरे को दे देना था, उधर पत्ते वाले भाई के लिए लेने आता हूँ, तो दे दूंगा। तो बांध के रख दे, इसके काम में यूज में तो आएगा बिछा के। और क्या कर रही है? अभी मालूम है तेरे को ऐसा नहीं है, कंटाल आ रहा है, तो तू टाइम पास तो करेगी ना। हाँ, करेगी। अभी इतने दिन से करी नहीं, अभी इसकी याद बहुत आ रही है। हाँ, मेरे को मालूम है, उसको याद बहुत आ रही है। अभी उदास उदास बैठी रहती है, वैसे आइजल के तो ऊपर देखती है, वैसा तू भी देखती रहती है। लेकिन सच बोलो, मेरे को सच सच बोलूँ ना गाइस, मुझे भी बहुत याद आती है आइजल की। वो जब हंसती है ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इतना प्यार लगता है। मैं इतना सोचता हूँ कि सर मैं अपने बच्चों को इतने गौर से कभी नहीं देखा जो जैसा मैं आइजल को देखा। हाँ, उस टाइम बराबर। हाँ, लेकिन लेकिन ये बच्ची मेरे को बहुत प्यारी लगती है, माशाल्लाह यार। नहीं नहीं, अपने नौशीन तो बिचार एक मिनट भी छोड़ के उसको जाती नहीं है, कहीं भी नहीं जाती। बोले मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँ, समझी? कदर बहुत है मेरे बच्चों को, मेरे दामाद को। इस लायक बना दिया बच्चों को, माशाल्लाह के अपने पैरों पे खड़े हो गए। हाँ, वो है कि उस टाइम तो वो टाइम दौर भी अलग था ना। उठा के चलो, तो ये सामान सब निकाले थे, अभी शब इसको पूरा खोल के सही करके फिर वापिस रख देगी, फिर आएगी निदा की बारी, तो उसके बच्चों में सब काम आएगा, है ना माँ? तो ये सब सामान अभी सब तू सही करेगी, 800 रुपए की मिलता है। तो ये सब संभाल के किधर? अभी पीछे गैलरी में अभी 2-3 महीने बाद तो काम आएगा। नहीं, इसको अपन अभी इसमें चेंज करेंगे कुछ। हाँ, डेकोरेशन चेंज करेंगे। नहीं, अभी मत बता क्या चेंज करेगी, ये सब एंड टाइम में। हाँ, अच्छा, नहीं बता रही, मैं समझ तू बताने जा रही। अब ये कपड़ा पर सब दूसरा डालेगी ना, सब नेट वेट जो भी है, ब्लू। चलो फिर कितना साफ कर दे उसके बाद बताता हूँ। सो संडे को ही मिलाया था मैंने, फिर से गंदा हो गया। हर संडे नहाता है और इसी बैठ जाता है पेशाब के अंदर। अभी जब उसको खाने को दिया तो मस्ती देखो उसके अंदर। तो गाइस, अभी मैं गया था बाजार, आलू लिया, कोदमीर लाया। ये बेचारी देखो मेरे कितना काम करा रही है मेरे से, बताओ। अब ये बोलती है आलू पराठा खाना है, मैं हाँ मुँह में पानी आ गया, मैं ला खाना है, तो जा लेके आए, मैं लेके भी आओ। चालू नहीं किए थे तेरे को शर्म आती है सब, तेरे को ऐसा ऐसा बोलता है तो। मैं क्या बोला, कुछ बोला ही नहीं अभी। कुछ बोला नहीं, बोलता बोला चालू था, कुछ नहीं बोला बोलता। देखिए आलू का पराठे की रेसिपी बताना मेरे को, मैं क्या ट्राई करूंगा। समझ जाए ना, अंकल का पसीना है। हाँ, यहाँ का निकलता है, यहाँ का सर का। हाँ, हाँ, मेरी गुड़िया का, गुड़िया को दिखाना। कैसे दिखाई गुड़िया को? चलो मम्मा, क्या बना रही तू? आलू का पराठा। कैसा बना रही बता तो सही। अभी मैंने आलू बॉईल करने रख दिए। इधर रखी है। यस, आलू बॉईल हो चुके हैं इतना। अभी इसके अंदर जाएगा, अभी आटा गूंथूंगी इसके अंदर। तो मेरी जरूरत नहीं है ना कुछ जी? कुछ बनाने में हेल्प करने में नहीं भाई, तुम का आटा गूंथने जाओगे। आटा गूंथो भाई, कोथमीर छील दो।
बस। और ये दही, दही तो अच्छा मिला था शक्कर के अंदर में, शक्कर नहीं डाल गया ज्यादा, नहीं कम शक्कर डालने का। चलो बनने के बाद ही बताता हूँ। इसको क्या करे तुम, निकाल भी ले। चलो अच्छा है, कुछ का काम तो करना चालू किए। ये निकालने का ना, काली कोतमीर के हाथ डंडी मत निकालना। चलो और मजा आएगा आज खाने में ना, मेहनत करके खाने में कैसा मजा आता है। मेहनत का खाना है, कुछ अलग होता है, समझे ना। आटा गुनने तुमको देती, लेकिन तुम आटा नरम कर दोगे तो मेरा आलू के पराठे फट जाएंगे। आटा गुनने तो आता है, फट जाएंगे आलू के पराठे। ये बनाता था मैं रोटी भाई, जब कोई नहीं था हमारा, हम लोग कैसा कैसा करके बनाता था मालूम है। हां हां, रहने दो, वो तो आता है मेरे को। चलो अभी देखती हूं मैं, आटा गूंथती फिर तुमको बुलाती, जाके मिक्स करना ऐसे बनना। चल ठीक है। यस, कौन है? इकलौता। ओ माय गॉड, आ गया आइजल का गत्ता। अरे वाह, बड़ा है छोटा है? वो नहीं मालूम मेरे को, खोल के देखो। वो बेचारे ने अपने जाज पर जो बेचारे ने, हां वो पहले गत्ता वाले रहने दो, पढ़ रहे दो, बच्चों को काम आएगा बोले, ये दूसरा ले लो बोले। अब किसको काम आएगा वो बोले, रखो कुछ कोई ना कोई काम आएगा बोले। चलो ठीक है, ये अच्छा है। अभी खोल के देखो, ये खोलो, ये यहाँ, हाँ आगे खोलो। गाटो में गाट, गाटो में गाट, वाओ, अरे वाह, इतना बड़ा बन गया। अच्छा, तीन बाय तीन का बोला। हाँ अच्छा है, सोने के लिए उसके लिए ऊंचा चाहिए, तकिया भी है। बाकी आयजल के जैसा प्यारा है। हाँ अच्छा, माशाल्लाह। चलो अच्छा, कितना आ गया बेचारा, कितना बोलता है, रहने दो बोले, वो भी रख लो बोले। अभी शेफ बता रही है कैसा मिक्स करना है आलू का पराठे में, क्या क्या डालते हैं, तो आके अपन देखते हैं। चलो क्या बनाती है और कैसा मिक्स करती है, क्या करिए मैडम। देखो आलू मैंने बाप दी, इसका मैश कर ली उसको। अब इसके अंदर है ना प्याज, हरी मिर्ची, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, कोथमीर नहीं बोले, कोथमीर तुमने छिले थे ना इसके लिए, फिर सब मिक्स कर देंगे। मिक्स करके फिर एकदम पीस डालेंगे इसको, फिर हाँ मैश कर देने का पूरा, तो हो गया इसका मिक्सर। अरे हाथ से करेगी ना, तो मिक्सर हो गया बोलते हैं। अरे मिक्स हो गया, अच्छा मिक्स हो गया, मिक्सर से करने का है ना। और इसके अंदर आलू का पराठा बना के भरने का, भर के पेट में डालने का, यस है ना, पेट में डालने, पहले मुंह में डालने का ना, उसके बाद पेट में जाएगा, दही या सॉस के साथ मिल के खाने का। लास्ट टाइम अपन ने शायद सुफियान के घर पे खाए थे ना, सुफियान निदा के घर पे बनाई थी ना, फिर तू कब बनाई थी ना, नहीं ना तुम दो, हाँ 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 हाँ, अच्छा बादाम खाना पड़ेगा, उस दिन गाड़ी में चाय भूल गया, परसों में बोल, फिर परसों रात को मिली, एक ने लाके दिया। और हाँ, आप बहुत से जाने ना कमेंट्स कर रहे बच्चे लोग को कि अपना घर बनाओ, घर यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, देखो शिफ्ट होना हम लोग को जरूरी नहीं है, क्योंकि हम दो अकेले रहे, अब दो के लिए जबरदस्ती इतना दूर जाओ, अलग से जाके रहो, शिफ्टिंग करो, इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग ये घर को थोड़ा, इतना भी हम लोग का कम छोटा घर नहीं है, बस दुआ कर इंशाल्लाह अल्लाह ताला नवाज दे तो हम भी घर बना ले। बहुत बच्चों को कमेंट्स कर रहे कि घर बनाओ बच्चों, तुम लोगों को बैठने की जगह नहीं, माशाल्लाह इतना बड़ा 350 स्क्वायर फीट का घर है, तो बैठने की जगह नहीं है, वो तो तुम लोग ऐसा लगता है छोटा, वो क्या नीचे का घर बड़ा था ना, उसका सब सामान ऊपर आ गया, अब वो बच्चों की डिलीवरी आ गई, शादी की पटारे ऊपर आ गए, फिर डिलीवरी आ गई, उसमें हम लोग को शिफ्टिंग का मिला लेकिन सामान लोग को निकाल लिया, तो आस्ते आस्ते करके इंशाल्लाह बनाएंगे। वो बच्चों को कमेंट्स मत करो कि घर बनाओ, घर हम लोग इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं, अल्लाह ताला नवाज देगा परवरदिगार, तो हम लोग बना लेंगे घर, हम लोग भी अच्छा, उसके बाद भी तुम लोग अच्छी अच्छी वीडियो बताएंगे, घर क्या ना, घर दिखाएंगे वीडियो नहीं, ये बिल्डिंग थोड़ी कमजोर है, थोड़ा डर लगता है, एक तोड़ते दूसरा काम निकलता है, जैसा अभी आदमी बोलेगा लाख रुपया तुम्हारा काम हो जाएगा, वो डेफिनेटली 2.5 लाख रुपया घुस जाएगा, वो बोलते हो लोग वही बोल रहे, अरे पापा ये खम्बा निकल गया इसका लगाओ, अरे ये निकल गया 25,000, और डराते कितने, अरे गिर जाएगा, ऐसा खराब हो गया, ये सोच समझ के करना पड़ता है। माशाल्लाह घर बहुत बड़ा है, अगर सही से करके सेटिंग करेंगे ना तो हो जाएगा, अभी बच्चों की शादी हुई, डिलीवरी आई, अब दूसरे की डिलीवरी आ रही है, अब सब सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो जरूर करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। चलो तो कैसा बना रहा है वो बता रही है शब, क्या 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 मिला के कैसा उसको गोल करके बनाऊंगी वो देखने का, क्या बना रही बता। देखो एक दाल दी, दूसरा बता रही हूँ, ये गोल रोटी से बनाने का थोड़ा जाड़ा, इसमें लेने का ये उसको अच्छे से डाल के, कम कम मेरे को मत मजा नहीं आएगा, ज्यादा डालूंगा तो फट जाएगा, फट जाएगा इसके लिए, तो ऐसे
साइड पर रख दिया, थोड़ा ना दोस्तों मिला के खा लूंगा मैं। ये तो प्याज बन गई, लहसुन लहसुन प्याज ऐसी होती है, इसका तोड़ देना ऊपर, उसको हाथ ना लंबा करने का, थोड़ा सा चपटा करके हो गया। अभी एक खिला मेरे को मालूम पड़े कैसा बना, अभी थोड़ा डाल रही हूँ असली घी। ओ चल फिर मेरे को बता कैसा बनता। क्या बोले? खुशबू तो अच्छी है, खाओ खाओ, हो सकता खाने में भी अच्छा हो। दिखाओ मेरा इधर कटोरी में रखो उसको, दही को ये डूब रहा है दही में और ये गया है मुंह में, गरम गरम आलू का पराठा अच्छा बना है, खाओ टेस्ट ले लेके खाओ। एक और बना बना रही हूँ, तो हमारे में दो तीन खाते हैं, है ना, छोटे छोटे बनाई, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए, इससे बड़े बड़े ही बनते, छोटे छोटे बनाई, चलो और दूसरे बनाती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नौशीन के घर पे, जो गद्दा आयजल के लिए आया है वो देने का है, तो इसी बहाने आयजल से हम लोग मिल भी लेंगे, क्योंकि आना है, पहले नौशीन आती थी तो मिल लेते थे, अभी हम लोग जाते हैं, तो ये मत समझना कि अभी हम लोग जाने लगे, हम लोग का प्यार है, हम लोग का माँ बेटी बाप सबका ऐसा प्यार है कि हम लोग रह नहीं सकते, इसके लिए हम लोग उससे मिलने जा रहे हैं इसी बहाने। और उसको आलू का पराठा भी पसंद है ना शब? आलू का पराठा भी पसंद है, उसको आलू का पराठा भी ले जा रहे हैं साथ में, तो बहुत खुश हो जाएगी, उसको भी आलू का पराठा बहुत पसंद है, उससे ज़्यादा खुश होगी जब उसका आइजल का गद्दा मिलेगा उसको, तो और खुश हो जाएगी। फिर आगे क्या होता है, दानिश को पसंद है, दानिश को भी आलू का पराठा बहुत पसंद है, तो ये खुद एक आलू जैसा है ना इसके लिए। चलो अभी बताते आगे। और ये नौशीन के घर के नीचे और लिफ्ट भी आ गई है, आ सकते हैं खाली बस, और क्या, और ये सामान लेके चल रहे हैं, ये पहले तुम तो घुस गए। ऐसे हम लोग नौशीन के घर पे आए, तो नौशीन तो बेचारी बहुत बिजी है, अंदर वीडियो बना रही, हम लोग को हॉल में बिठा दी, बोले बैठो देखो ये इज्जत, इतने प्यार से इतनी दूर से हम लोग चल के आए, नहीं बाइक पे आए, झूठ नहीं बोल रहा, बाइक पे आए। हाँ असलम क्या बोलता है? कुछ नहीं, वो पानी चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया भाई, अब इस घर का मैं पानी क्या चाय भी नहीं पीऊँगा, ये लोग ने मेरे को हॉल में बिठा के रखे है। क्या बोल रही है? माजा आ गया, अपना खुद पियेंगे अपन आके, है ना, हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ का कुछ भी, सब खोल अपन दोनों पी लेंगे यहीं, ख़त्म कर इसको। तो मैंने बोला कि हम लोग को बाहर बिठा के, ये लोग अंदर बैठे, देखो ये आ रहे, ले लो देखे, हाँ ये सब ब्लॉग आज ऐसा दिन आ गया, सब अपना ब्लॉग बना रहे, बताओ अब जिसको देखो ब्लॉग में घुस गए, जो गिफ्ट दिए थे मैंने बोली थी सरप्राइज है वो, तो आप लोगों को दिखाई नहीं थी ना बराबर, अच्छा। जूम कर करके तो हम लोग को मना कर दी ना, अच्छा लगता, हम लोग बाहर बैठे, तुम अंदर बैठे क्या खराब दिखता है, सास ससुर लोग बैठे थे, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मेहनत बड़ी खुशी होती है कि तुम लोग मेहनत करते है, तो खुशी मेरे को होती है, माँ कसम, बस बच्चा संभाल के हम लोग को ब्लॉग बनाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है, और वो सबसे बड़ी खुशी तो लोगों को हो रही है कि नौशीन आ रही है, मुझे हाँ मैंने बोल दिया हम लोग नौशीन के घर पे जा रहे हैं या नौशीन हमारे घर पे आ रहे हैं, कि हम लोग में प्यार ऐसा है ना कि हम लोग कमेंट आया क्या बकाची ब्लॉग में? नहीं नहीं अच्छा नहीं बोलते, तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आया, तुम्हारे नौशीन बहुत बहुत बड़ा एक भी ससुराल में निकाल ली ऐसा पहले भी मेरे को अफसोस किस बात का मालूम है कि मेरा दामाद कितना दुबला हो गया, देख इसके इसका रंग रूप कैसा हो गया बेचारे, तुम्हारे बिना अधूरा है, हाँ तू ऐसा क्या बेटा आ जा, शादी नौशीन से भी तुम्हारे देखते ऐसे कितना मासूम दिखता है यार, ऐसा तो दो चमाट खींच के नहीं मारा, अच्छा अच्छा इसको मौका नहीं मिला किधर जाने का, क्या होगा तो एक घंटे के लिए बस, अभी तुम लोग के लिए मैंने सरप्राइज लाया हूँ, देखेंगे तुम लोग, और ये हम लोग मेरी आइजल के लिए है, कौन अच्छा आइजल को बड़ा पड़ेगा ना, सुन ना आइजल को बड़ा दाढ़ी की सो सकता है, गद्दा आ गया,
बोला उसने नहीं की पसंद आएगा दूसरा दिला दूसरा बनाऊंगा बोले तो वो इतना अच्छा है क्या बोलता हूँ गद्दा भी तुम ले लो दानी आ जाएगा इसके ऊपर ना दानी से हो जाएगा है ना ये ना बेचारा कहीं भी एडजस्ट हो जाता है मेरी सन्नी भी आ गई गाय जी हमारी सना है हमारी वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करो शेयर करो अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और ये जलंधर लोग के ना इग्नोर करो लोगों और लोग के फॉलो सब हमारे पास आओ हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं लाइक करो शेयर करो अच्छे अच्छे कमेंट्स करो बाय।